बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग के कोर्स की ये हमारी वीक 6 की लैब है। अपनी इस लैब में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सर्विस, जो हमारा सर्वर है उसकी सर्विसेज को हम एक्वायर करेंगे, किस तरह से हम उसे अपने नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं यूजिंग मल्टीपल नेटवर्क कंपोनेंट्स, जिनमें हमने एंड डिवाइसेस को भी देखा, हमने स्विचेस को कनेक्ट किया। फिर हमने कहा कि जब हम दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वी नीड अ स्पेशल डिवाइस दैट इज नोन एज राउटर। और फिर हमने देखा कि राउटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, गेटवे क्या होता है और गेटवे का क्या इफेक्ट होता है, ये अपनी प्रीवियस लैब के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ क्विकली लेट्स हैव अ रीकैप एंड बिल्ड अ नेटवर्क। तो हम छोटा सा एक नेटवर्क बनाते हैं जिसके अंदर दो टोटल नेटवर्क्स होंगे और हर जो पीसी है नेटवर्क का वो स्विच के साथ कनेक्ट होगा और ये दो डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं वो कनेक्ट होंगे यूजिंग अ राउटर और फिर हम इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। आफ्टर कनेक्शन हम इनको आईपीज असाइन करेंगे और आईपीज असाइन करने के बाद, ये चूंकि दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं तो इनको हम डिफरेंट नेटवर्क आईडीज असाइन करेंगे। नेटवर्क आईडीज असाइन करने के बाद हम इनको कॉन्फ़िगर करते हैं और हम वापस आते हैं और फिर हम नेटवर्क के अंदर एक सर्वर को कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे उसे किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। ओके, तो इस साइड पे जो हमारे पीसीज हैं इनको हमने असाइन किया है 1.0 नेटवर्क आईडी और इस साइड पे हमने असाइन किया 2.0 आईडी। अब हम राउटर को जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो राउटर को हमें गेटवे असाइन करना है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड इंटरफेस है उसको हमने गेटवे की का आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो ये जो हमारे पास ऐसे 0/0 इंटरफेस है, ये हमारे पास 1.0 का चूंकि गेटवे है तो इसको हम इसी में से एक आईपी असाइन करेंगे। तो हम लिखते हैं 192.168.1.1 और हमने इसको असाइन की और हमने ऑन कर दिया। अब ये दूसरी साइड जो है ऐसे 0/1, इस पे हम क्लिक करेंगे और चूंकि ये गेटवे है 2.0 नेटवर्क आईडी का तो हमें इस नेटवर्क आईडी में से एक आईपी असाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 192.168.2.1 इसको असाइन कर देते हैं और ऑन कर देते हैं। तो अब बेसिकली हमने किया क्या है, 1.1 गेटवे असाइन किया, 1.2 ये है, 1.3 ये पीसी है, 2.1 इज दिस गेटवे, 2.2 ये है और 2.3 ये वाला नेटवर्क है। ठीक है, तो ये हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली चूंकि हम एप्लीकेशन लेयर पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं जिसमें HTTP प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है, FTP प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है, ईमेल का प्रोटोकॉल SMTP हमने पढ़ा है, POP, IMAP पढ़े हैं। तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं वो हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फॉर दैट पर्पज हम क्या करते हैं कि हम एक सर्वर उठाते हैं और अपने नेटवर्क के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा नेटवर्क 2.0 वाला, इसके अंदर हमने एक सर्वर प्लेस किया और सर्वर को कनेक्ट करके। अब क्योंकि ये सर्वर भी एक एंड डिवाइस है तो इसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं, हम इसे यहाँ पे बताते हैं कि 192.168.2.10 इसका आईपी एड्रेस है और गेटवे भी बता देते हैं 192.168.2.1 इज दी गेटवे। ठीक है, तो हमने हर पीसी को बताया हुआ है कि गेटवे क्या है, इसी तरह से हमने इस डिवाइस को बता दिया कि गेटवे ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम सर्वर को ओपन करते हैं और इसकी सर्विसेज देखते हैं कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के बाद एक हमारे पास टैब है सर्विसेज की, तो इसको हमने क्लिक किया तो ये वो सारी सर्विसेज है जो कि ये हमारा सर्वर हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमने HTTP पढ़ा था, तो हम HTTP पे क्लिक करें अगर तो हमारे पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा, दैट सेज कि HTTP भी ऑन है और HTTPS भी ऑन है। अब ये हमारे पास जो HTTP सर्वर है उसके अंदर ऊपर ये फाइल पड़ी हुई है। तो index.html को अगर मैं ओपन करूँ तो ये बेसिकली क्या है, एक फाइल है जिस HTML की फाइल है, पेज है जिसके ऊपर सेंटर में सबसे पहले लिखा होगा ब्लू कलर के अंदर सिस्को पैकेट ट्रेसर, फिर ये वाला मैसेज होगा आपके पास वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपनिंग डोर टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद हाइपरलिंक्स मौजूद होंगे इन पेजेस के, हेलो वर्ल्ड के लिए जो हेलो वर्ल्ड डॉट html है उस पेज के लिए, ये वाला पेज है हेलो वर्ल्ड डॉट html, इसका एक हाइपरलिंक मौजूद है, एक कॉपीराइट का मौजूद होगा, एक इस लोगो का मौजूद होगा और एक इस इमेज का मौजूद होगा। ठीक है,
इसको हमें अगर एक्सेस करना होगा तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम पीसी ओपन करते हैं, वेब ब्राउजर पे जाते हैं, हमारे सर्वर का जो भी आईपी एड्रेस है, हमने इस वक्त रखा 192.168.2.10, वो आईपी हमने प्लेस किया यूआरएल की जगह पे, और हमें जैसे ही एंटर क्लिक किया हमारे पास इसको पैकेट ट्रेसर की जो इंडेक्स वाली फाइल थी विच वॉज दी पेज जो कि हम जब एचटीटीपी को एक्सेस करेंगे तो ये पेज हमारे पास हमें नजर आएगा। अब मैं स्मॉल पेज को ओपन करूँ तो इस पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे मैं बैक जाऊँ तो मैं इमेज पेज को ओपन करती हूँ तो मेरे पास ये इमेज आता है, ठीक है। इसी तरह से हम सर्वर के ऊपर कोई भी फाइल क्रिएट करके प्लेस कर सकते हैं। कैसे? हम ओपन करते हैं एचटीटीपी को, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, और न्यू फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं कि हम यहाँ पे एक सिर्फ न्यू फाइल बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ नाम लिखते हैं या कोई मैसेज लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम एबीसीएस, ठीक है। और इसका नाम हम रखते हैं यहाँ पे dccn.html और इसको सेव करते हैं। यू वॉन्ट टू, यस, ठीक है। हमने इसको सेव करना है, रिप्लेस किया हमने, और हम फाइल मैनेजर पे जाते हैं। तो अब जो हमने फाइल बनाई है वो यहाँ पे हमें क्रिएट होके नजर आ गया। तो अब दूसरा काम क्या करना है हमने कि ये जो हमने फाइल एचटीएमएल की बनाई है इसे इंडेक्स पेज पे नजर भी आना चाहिए। इसका हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं सेम लाइन कॉपी करके मैं ऐड कर देती हूँ कि हेलो वर्ल्ड की जगह अब मैं जो फाइल का नाम रखा है वो मैंने रखा है डीसीसीएन। तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिखती हूँ डीसीसीएन, और इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैसेज जो वहां पेज से नजर आ रहा होगा वो भी डीसीसीएन है, ठीक है। हमने सेव किया index.html की फाइल को। अब हम दोबारा एक्सेस करते हैं HTTP सर्वर को। तो अब मैंने वेब ब्राउजर दूसरे नेटवर्क में से पीसी से ओपन किया है 192.168.2.10 जो हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस है वो मैंने लिखा, और मैंने जैसे ही एंटर पर क्लिक किया तो अब पहले जो हमारे पास सिर्फ चार हाइपरलिंक थे, स्मॉल पेज, कॉपीराइट, इमेज पेज और इमेज का, उसके साथ जो अभी मैंने डीसीसीएन का एक पेज बनाया है और उसका हाइपरलिंक ऐड किया है वो भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ फाइल ऑन दी एचटीटीपी सर्वर एंड यू कैन व्यू इट। आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि अगर मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर का कुछ कलर चेंज करना चाहूँ, इट्स अप टू दिस स्क्रिप्ट। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लू की बजाय रेड कर दूं तो जब भी मैं सर्वर को एक्सेस करूंगी तो सिस्को पैकेट ट्रेसर ब्लू कलर में मुझे ब्लू की बजाय अब रेड में नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन करती हूँ 192.168.2.10 एंटर। अच्छा हमने लेट्स सी कि सेव हुआ है, index.html ओपन किया, ओके इट्स स्टिल ब्लू, तो इसको हम करते हैं रेड, सेव, यस, दोबारा से चेक कर लेते हैं रेड, ठीक है। तो अब हम दोबारा से इसको ओपन करके देखते हैं 192.168.2.10। सो जो ब्लू कलर में था वो अब हमें रेड में नजर आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज, यू कैन ऐड अ फाइल ऑन द HTTP सर्वर, यू कैन डिलीट अ फाइल अगर आपको परमिशन है, और आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर की इमेज की बात करूं तो सिस्को पैकेट ट्रेसर कहाँ पे पड़ा हुआ होगा, मैं ओपन करती हूँ जो अगर इस इमेज को ओपन करती हूँ तो ये इमेज बेसिकली जो डिस्प्ले हो रहा है वो कहाँ पड़ा हुआ है ये भी देख लेते हैं। सी में जाएंगे जहाँ पे आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर पड़ा हुआ है उसको ओपन करेंगे, यहाँ पे सेव के अंदर ये लोगो पड़ा हुआ है जो कि हमने डिस्प्ले किया। अगर आप कहीं पे लोगो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आपको साथ वो फाइल पहले यहाँ पे सेव करनी पड़ेगी,
कोई इमेज जो भी आप सर्वर पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो इसको यहाँ पे रखेंगे तो वो डिस्प्ले होगा वहाँ, ठीक है। तो ये आप करके देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको अगर इमेज प्लेस करना हो तो किस तरह से उसे प्लेस करेंगे। सो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट HTTP इन योर नेटवर्क। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।